झारखंड सिटी बस कर्मचारी संघ ने बारीडीह बस डिपो के समीप जोरदार प्रदर्शन किया। वैसे यह प्रदर्शन कर्मचारियों ने अपने बकाया वेतन के मांग को लेकर दिया है। नगर विकास विभाग द्वारा शहर में सिटी बस चलाया जा रहा है। इस बस के परिचालन शुरू हुए लगभग 5 माह बीतने जा रहा है, लेकिन अभी तक इन कर्मचारियों को वेतन नहीं मिली है और 70 कर्मचारी है जो भुखमरी के कगार पे हैं। आज इन कर्मचारियों ने बारीडीह बस डिपो का घेराव किया और जोरदार प्रदर्शन की। इनकी मांग है कि प्रशासन अभिलंब इनकी बकाया वेतन की भुगतान करे। वैसे जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाती, ये हड़ताल जारी रहेगा और बस का परिचालन भी बंद रहेगा। हम लोग लाचार हो करके ही आज से बहुत दिन पहले से ही डीसी और तमाम कागज का ये दौरान किया। लास्ट में हमको लाचार हो करके, जब कोई सुनवाई नहीं हुआ तो हम लाचार हो करके ही आज हड़ताल पर आए हैं। हम लोग शांतिपूर्ण हड़ताल, हम लोगों का पेमेंट अभी कर देगा, अभी गाड़ी निकल जाएगा। हम लोग हड़ताल में नहीं थे, नए पक्ष में थे और नए पक्ष में अभी भी हैं। लाचार हो करके हमने ये काम किया है, जो गाड़ी बंद हो गया। कितने ड्राइवर हैं आप लोग? हम लोग 35-36 ड्राइवर और 36 कंडक्टर हैं। और कितना बस अभी प्रभावित है? 50। क्या आप लोग यहाँ जमशेदपुर में जो खेल हो रहा है राष्ट्र खेल, हाँ, उसमें सहयोग देंगे? सहयोग देने के लिए तैयार है, हमको पेमेंट मिलेगा, हम हर तरह से सहयोग शुरू भी दे रहे थे पब्लिक को भी, आज खेल के विषय में भी उसमें भी जाने के लिए हम लोग तैयार है। अभी पेमेंट करेगा, अभी गाड़ी निकलेगा।